मैनपुरी जनपद के फर्दपुर रोड स्थित संत विवेकानंद इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय ओबीसी महासभा के तत्वाधान में चिंतन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगठन के प्रदेश प्रभारी संदीप परिहार भी कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आपको बता दें, समाज को जोड़ने के लिए संगठन लगातार कार्य कर रहा है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को फूल माला शॉल पहनाकर सम्मानित किया। वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज मंसूरी ने अपने बेटे का जन्मदिन संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मनाया। उनके पुत्र जैद मंसूरी ने भव्यता पूर्वक केक काटकर कार्यक्रम मनाया। हर साल 15 सितंबर को ये ओबीसी महासभा दिवस मनाया जाएगा। संगठन के प्रदेश प्रभारी संदीप परिहार ने भी बताया, अगर संगठन को मजबूत करना है तो हम सबको संगठित रहना होगा, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि अपने अधिकार को हम समझ सके। और कुछ बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी, देखिए खास रिपोर्ट। इधर साइड ओबीसी महासभा दिवस आज मनाया गया है, वहाँ से शुभारंभ किया गया है, क्या उद्देश्य इसका रहेगा? इसका उद्देश्य यही रहेगा कि इस जो दिवस मना रहे हैं हम लोग, ये हर साल मनाया जाएगा। और इससे क्या है कि ओबीसी का समाज जो है एक जगह इकट्ठा होगा, एकत्र होता रहेगा। समाज के लिए क्या कहेंगे? समाज के लिए यही कहेंगे, वो हमारे साथ रहें, ओबीसी एक साथ रहे और हमारा सपोर्ट करे, हमारे साथ रहे, साथ दे हमारा। आप क्या पद है आपका संगठन? संगठन में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए पहल आज से शुरू की है, ये दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है इसका? जी नमस्कार, मैं ओबीसी संदीप प्रत्यार, प्रभारी संगठन राष्ट्रीय ओबीसी महासभा। आज संगठन की कमेटी ने जो है बैठ के पिछले कई 10-15 दिनों से चर्चा की, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया था कि 15 सितंबर को ओबीसी महासभा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये कार्यक्रम इस वर्ष की बात, प्रतिवर्ष 15 सितंबर को ही ओबीसी महासभा दिवस के रूप में मनाया जाया करेगा। समाज को क्या प्रेरणा देंगे आगे बढ़ाने के लिए? समाज के लिए यही प्रेरणा है, हम सब लोग एक साथ आ रहे हैं और समाज में शिक्षा स्वास्थ्य से लेके ओबीसी को एकजुट करने से लेके और ओबीसी में फैला जातिवाद को ख़त्म करके हम सब लोग एकजुट होके ओबीसी समाज को आगे बढ़ाएंगे। और जो भी हमारे लोगों की, हमारे संगठन राष्ट्रीय ओबीसी महासभा से आवश्यकता होगी, कहीं भी समाज पर अत्याचार होगा, कहीं भी समाज को दबाया जाएगा, डराया जाएगा, हमारा ये समाज के लिए आश्वासन है, सभी को आश्वासन देना चाहते हैं, हम कहीं भी होंगे आधी रात समाज के साथ खड़े होंगे।